नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज और देश और विदेश की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ शाहिन खान। तो खबर डालते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर शहर में आतंकी हमलों को अंजाम देने की एक बड़ी साजिश को हैदराबाद पुलिस ने नाकाम कर दिया और इस मामले में कथित रूप से शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों से 4 हथगोले व रुपए बरामद किए हैं। खबर है पाकिस्तान की, जहां खुफिया एजेंसी ISI की नापाक हरकतें जुड़ी हुई है। यह बताते हैदराबाद के पुलिस आयुक्त ने कहा है कि पकड़ा गया जाहिद पहले शहर में आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में शामिल था और नियमित रूप से पाकिस्तानी ISI LET आकाओं से संपर्क में था। 3 फरार व्यक्ति फरहतुल्ला गौरी उर्फ ए फजी, सिद्दीकी बिन उस्मान उर्फ रफीक उर्फ अबू हमजाला और अब्दुल मजीद उर्फ छोटू सभी हैदराबाद के मूल निवासी बताए गए हैं और कई मामलों में वांछित अब पाकिस्तान में बस गए हैं और ISI के तत्वावधान में काम भी कर रहे हैं। जाहिद ने कबूल किया है, खुलासा भी किया है कि फरहतुल्ला गोरी अबू हमजाला और मजीद ने और उसके साथ अपने संपर्कों को पुनर्जीवित किया और उन्होंने हमलों को अंजाम देने के लिए प्रेरित भी किया और वित्त पोषित किया। पाकिस्तान स्थित आकाओं के कहने पर जाहिद ने समुद्दीन और माज हसन को भर्ती किया। तलाशी अभियान के दौरान तीनों के पास से 4 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। खबर है ईरान से, तो भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजर रहे ईरान के यात्री विमान में बम होने की खबर मिली है। सूत्रों के मुताबिक विमान में बम की धमकी के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। यात्री विमान अब चीन की ओर बढ़ रहा है, वहीं सुरक्षा एजेंसियों को विमान की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबर है ईरान से, जहां यात्री विमान में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। सोमवार को दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को ईरान के यात्री विमान में बम होने की संभावना के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है और विमान को दिल्ली में उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के यात्री विमान को रोकने की भी कोशिश की। यहां बता दें कि ईरान के यात्री विमान में बम की खबर मिलने के बाद विमान दिल्ली हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद विमान ने भारतीय वायु यातायात नियंत्रण को बम होने के बारे में अलर्ट भेजा था। सूचना के बाद पंजाब और जोधपुर एयरबेस से भारतीय वायुसेना के SU-30 MQI लड़ाकू विमानों को यात्री विमान को रोकने के लिए भेजा गया था। हालांकि यात्रियों से भरा विमान चीन की ओर बढ़ रहा है और इसे देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। फिलहाल बता दें, विमान चीन की ओर बढ़ रहा है। वही भारतीय वायुसेना को सोमवार को एक नई ताकत मिल गई है। भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले जत्थे को शामिल कर लिया गया है। पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिले हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी मौजूद रहे। अब खबर भारतीय वायुसेना को मिली नई ताकत को लेकर है। जी हां, बेड़े में शामिल किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि LCH दुश्मन को चकमा देने, कई तरह के गोला बारूद ले जाने और उसे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचाने में सक्षम है। LCH विभिन्न इलाकों में हमारे सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करते हैं। ये हमारी सेना और वायुसेना दोनों के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में स्वदेश विकसित 15 LCH को 3,887 करोड़ में खरीदने की मंजूरी दी गई थी। इन 15 हेलीकॉप्टरों में से 10 भारतीय वायुसेना के लिए और 5 थल सेना के लिए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि ये हथियारों और ईंधन के साथ 5,000 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में रविवार की रात दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग से 4 दर्जन से अधिक लोग झुलसे हैं, तो सुबह तक 5 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। जिला प्रशासन की ओर से सुबह जारी मेडिकल बुलेटिन में 2 और मौतों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद अब मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है। वही हादसे में घायलों की संख्या इससे कहीं अधिक होने की वजह से आंकड़ा अभी नहीं बताया जा सकता है। खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां दुर्गा पंडाल में हुए हड़कंप से काफी सनसनी फैल गई। रविवार की देर शाम दुर्गा पूजा आरती के दौरान पंडाल में कई गांवों से पहुंचे करीब 150 भक्तों पर पंडाल की आग ने ऐसा कहर बरपाया कि घरों के चिराग तक इस आंच में बुझ गए। आग लगने के बाद रात भर मातम पसरा रहा तो लोग अपनों की तलाश में भटकते भी रहे। बताया जा रहा है कि रात 8:30 बजे पंडाल में आरती हो रही थी,
जनरेटर भी चालू था। इसी बीच जनरेटर से निकले तार में अचानक स्पार्किंग होने लगी। कुछ ही देर में पंडाल के एक तरफ का पर्दा जलने लगा। आग देखते ही लोग भागने लगे। इसी भगदड़ में काफी लोग नीचे गिर गए। वही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पर्दे का जला हिस्सा लोगों के ऊपर गिर पड़ा। रात 9 बजे तक मौके पर भगदड़ की स्थिति बनी रही और सूचना के बाद राहत और बचाव कार्य स्थानीय लोगों के सहयोग से शुरू हो सका। रात 9:30 बजे तक जिला मुख्यालय से 2 और औराई से 2 दमकल गाड़ियां पहुंच गई। इस बीच आसपास के ग्रामीण पहुंच गए और झुलसे लोगों को CHC सूर्या ट्रामा सेंटर आनंद नर्सिंग होम लेके गए। साउथ स्टार प्रभास सैफ अली खान और कृति सेनन की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज हो चुका है। साथ साथ आदि पुरुष की टीम भी इस भव्य इवेंट का हिस्सा बनी। टीजर में राम के अवतार में प्रभास बेहद इम्प्रेसिव नजर आए, वहीं सीता के रूप में कृति सेनन बेहद खूबसूरत नजर आई। रावण के लुक में सैफ अली खान बेहद खतरनाक लुक नजर आ रहे हैं। 1:45 के इस टीजर में फिल्म के लगभग लीड स्टार की पहली झलक देखने को मिली है। अब ये देखिए वायरल खबर सिनेमा जगत से जुड़ी हुई है, जहां काफी समय पहले से ही खबरें थी कि फिल्म का टीजर प्रभु श्रीराम की नगरी में ही रिलीज किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही किया। जी हां, सरयू नदी के किनारे एक भव्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें फिल्म का टीजर रिलीज हुआ। अयोध्या में टीजर लॉन्च किया गया, साथ ही आदि पुरुष का टीजर ऑनलाइन रिलीज हुआ। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में टीजर लॉन्च की तैयारियां बेहद भव्य रूप से थी। इस इवेंट के लिए सरयू नदी तट पर खास इंतजाम भी किए गए थे। लॉन्चिंग से पहले सभी कलाकारों ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पहुंचकर दर्शन पूजन किया। राम की पैड़ी पर विशाल मंच बनाया गया था। आदि पुरुष 12 जनवरी 2023 में बॉक्स ऑफिस पर आएगी। ये एक पैन इंडिया रिलीज फिल्म है, जिसे हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया जा रहा है। दक्षिण भारतीय हीरो प्रभास प्रभु श्रीराम की भूमिका में नजर आएंगे। वही कृति सीता, सनी लक्ष्मण और सैफ अली खान रावण का किरदार निभाने वाले हैं। भांजे को नौकरी से निकाला तो मां माने दी सुपारी। जी हां, राजस्थान में उदयपुर जिले की जावरमाइंस थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मजदूर नेता पर फायरिंग के मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। एक युवक को उसकी आदतों के कारण माइंस की नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद मामा ने अपने एक साथी को 50,000 रुपए में मजदूर नेता को मारने की सुपारी दी। इसमें पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर जुड़ी है अपराध जगत से। जी हां, SP विकास शर्मा ने बताया कि 19 सितंबर को जावर माइंस मजदूर यूनियन लीडर लालूराम मीणा सुबह 5:15 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। जावर माता मंदिर रोड पर पीछे से 3 युवक आए व जान से मारने की नीयत से 2 बार फायरिंग कर दी। लालूराम मीणा के कान और कंधे पर गोली लगी है। लालूराम मीणा कुछ दिन तक एक निजी अस्पताल में भर्ती रहे। फिलहाल जावर माइंस में नहीं जाकर अपने गांव में रेस्ट कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर डिप्टी गिरवा भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस मामले में शूटर दिनेश कसौटा को गिरफ्तार कर उसके साथ नाबालिग को भी पकड़ा है। पुलिस ने हथियार उपलब्ध करवाने के लिए आकाश उर्फ आकू, धुलेश्वर उर्फ धनराज डॉन, राजेंद्र उर्फ राजू मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। ईरान सरकार की सख्त चेतावनी के बावजूद हिजाब विरोधी आंदोलन थम नहीं रहा है। ईरान ने इसके पीछे विदेशी दुश्मनों का हाथ बताया है। साथ ही यूरोपीय देशों के 9 नागरिकों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें जर्मनी, पोलैंड, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड और स्वीडन के नागरिक शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद ईरान और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों व सुरक्षा बलों के बीच करीब 2 सप्ताह के संघर्ष में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 83 पहुंच गई है। खबर एक बार फिर ईरान से है। जी हां, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लीक दस्तावेजों का हवाला देकर कहा है कि ईरान सरकार ने आंदोलन को सख्ती से कुचलने का आदेश दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने कहा है कि ईरान सरकार ने निर्णय लिया है कि सड़कों पर जो भी सरकार का विरोध करता दिखाई दे उसे जख्मी कर दो या तो मार डालो। आंदोलन के दौरान बहुत से पुरुष, महिलाओं व बच्चों को गैर कानूनी रूप से मार दिया गया। सुरक्षा बल बिना हिजाब वाली महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं। एजेंसी ने ये नहीं बताया कि दस्तावेज ने कहां और कैसे मिले। ईरान के एक प्रभावशाली मौलाना मोहम्मद जावेद हज अली अकबरी ने तेहरान में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा हमारा अधिकार है, सुरक्षा बलों को बर्बर प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा कि महसा अमीनी की मौत के बाद वह चाहती थी कि यूरोपियन यूनियन ईरान पर प्रतिबंध लगा दें। वायरल न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ग्रैंड एशियन के साथ। नमस्कार।